चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। साधु समाज धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, प्राय सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम क्षीरसाई भगवान विष्णु की अवतार थे और लक्ष्मण जी शीशा अवतार थे। दोनों भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था, बचपन काल से ही प्रेम था। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को एक ही पलंग पर सुलाया जाता था, सुलाने का ढंग क्या था, तरीका क्या था, जहाँ भगवान राम का पांव वहाँ लक्ष्मण जी का मुंह। भगवान राम की पैर का अंगूठा, दाहिने पैर के अंगूठे को लक्ष्मण जी के मुंह में जब घुसा दिया जाता था तो लक्ष्मण जी शांत भाव से रहती थी। जब तक अंगूठा भगवान राम के मुंह में रहता था बिल्कुल शांत, जैसे अंगूठा मुंह से निकलता था तो शीशा अवतार थे लक्ष्मण जी, इतने जोर से गरजती थी कि राजभवन गूंज जाता था, सबकी नींद टूट जाती थी। घर के परिवार दौड़ के आते थे और झट से लक्ष्मण जी के पैर के, लक्ष्मण जी के मुंह के पास भगवान राम का जो पैर का अंगूठा था मुंह में घुसा देते थे तो लक्ष्मण जी शांत हो जाते थे। इतना प्रेम था दोनों भाइयों। जब महाराज दशरथ की आज्ञा हुई भगवान राम को बन जाने का, भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी भी गए। जंगल में गए, जैसा अभी का जो पाठ हुआ उसी पर नहीं बोल रहा हूँ। लक्ष्मण जी शीशा अवतार थे, प्राय सब लोग जानते हैं। इन्होंने भगवान राम से 5 प्रश्न एक ही बार किए, वज्र कम कर दीजिए। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो से भक्ति करहो जही दाया, ईश्वर जीव वीर प्रभो सकल कहो समझा, जात चरण के शोक मोह भ्रम जाय। भगवान राम से 5 प्रश्न किए हैं। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो से भक्ति करो जी दाया, ईश्वर जी में भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाप ही चरंति शोक मोह भ्रम जाए। पहला प्रश्न क्या है? कहो ज्ञान, ज्ञान क्या है, विराग क्या है, कहो ज्ञान विराग, माया क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर जी में भेद क्या है। भगवान राम जब समझाने लग गए, जिस सिलसिले से लक्ष्मण जी ने पूछा था उस सिलसिले से नहीं बताए। सबसे पहले इन्होंने माया किसे कहते यही बताई, इसके बाद और बात। हम लोग सुन रहे थे, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मेरा, इसको माया कहा गया। इसी सिलसिले में कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सोसा माया जानो भाई,
इसके बाद उस माया के संबंध में भगवान राम ने कहा विद्यामय अविद्या माया। अभी हम लोग सत्प्रकाश आवाज से बहुत अच्छी तरह सुन रही थी विद्या माया क्या है और विद्या माया क्या है। पांच कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह लिंगे गुदा, पांच ज्ञान इंद्रियां आँख कान नाक जीव चमड़ा, पांच पांच दस, चार सबके भीतर में है मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन चौदह के संग में रह करके आप और हम जो कुछ देखते सुनते छूते हैं ये सब की सब हो गए अविद्या माया। विद्या माया किसे कहेंगे? अभी चौदह संग में है आंख बंद करते हैं घोर अंधकार, कोई भी हो घोर अंधकार, तो चौदह संग में रह करके जो कुछ देखती सुनती है इसको कहा अविद्या माया। विद्या माया किसको कहेंगे? परमात्मा जपने के बहुत से नाम हैं, दागू सृजन हार के नाम अनंत, अनंत नाम, नाम एक नाम का जप। इसके बाद गुरु द्वारा रूप ध्यान जो बताया गया है उस रूप का मानस ध्यान, तो एक नाम का जप एक रूप का ध्यान ये हो गए अष्टांग उपासना। अगर इसको ठीक से कोई कर लेती हैं तो सूक्ष्म उपासना में बल आ जाती, शक्ति मिल जाती है। सूक्ष्म उपासना में क्या करने की शक्ति आ जाती है? ये जो हम लोगों की दो आँखें हैं दोनों आँखों से दृष्टि की धार निकल रही है और समांतर रेखा में निकल रही है, एक करने की शक्ति आ जाती है। क्यों? जब तक हम लोग मानस ध्यान करती हैं अपने इष्ट के चेहरे का ध्यान करती हैं, जितना बड़ा उनका चेहरा है उस पर अपने को टिका करके प्रयास करती हैं, सहारा है। अगर इस पर अभ्यस्त हो कोई हो जाती है उस रूप को ख्याल से हटा करके तब जो स्वयं ध्यान करने का प्रयास करती है बिना आधार के देखने का प्रयास करती है सफलता मिलती है। दृष्टिधाराओं को जो एक कर लेती हैं जोड़ लेती हैं जिस संदृष्टा एक होती है उसी क्षण पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां उसकी छूट जाती है उसी क्षण, और चार भीतर के दृष्टि संग में रह करके वह जीव ऊपर सरक जाता है। ऊपर सरकने में कुछ देखता है, पहले कुछ देखता है, कोई कोई साथ सुनता भी है, तो क्या देखता है क्या सुनता है? जो हम लोग का शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश का, इसके पांच रंग हैं पीली नीली लाल सफेदी स्याही सनुक आता है। पांच तत्वों के रंग को वह देखता है, बिंदु को देखता है, ताराओं को देखता है, चंद्रमा को देखता है, सूरज को देखता है और कुछ
शब्द भी सुनता है, किसके संग में रहा करके ऋषिधारों को जोड़ लिए, पांच कर्म इंद्रियां अंदर छूट गई, भीतर की जो चार इंद्रियां हैं उसके संग में रहा करके ये दृश्य देखा सुना जाता है। तो भीतर में जो देखा सुना जाता है चार संग्रह करके उसी को कहा गया विद्या माया। यह विद्या माया शक्ति प्रदान करती है परमात्मा का साक्षात्कार करने में। अब विद्या माया भी छूट जाए और हम जी का परम कल्याण हो जाए, इसके लिए क्या करना होगा? जब तक आप और हम जो जीव रूप में हैं चार इंद्रियों के संग में रहेंगे विद्या माया रहेगी, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। विद्या माया भी छूट जाए इसके लिए भीतर चार इंद्र से अलग होना के लिए महापुरुषों ने कहा। इसकी जानकारी गुरु से मिलता है। बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पहियो, कभी साहब की मानिए नाम यानी शब्द। अगर गुरु का नाम की प्राप्ति, शब्द की एक नाम की प्राप्ति, शास्त्र की प्राप्ति कैसी होगी? जानकारी नहीं मिलेगी। बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पहियो, वृथा जन्म गवा ही हो। जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक के लिए महापुरुष का कहना व्यर्थ में जीवन जा रहा है, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। अब विचारना यह है अंदर में जो एक शब्द है आदि शब्द आदि नाम, उसकी पकड़ कैसी होगी? बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि ने निस्तरे ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। गुरु के पास जाना होता है और अपनी साधना की बातें उनको कहनी पड़ती है। मैंने मानस जप किया, मानस ध्यान किया, योग किया, यह अनुभूति हमको हुई है, अब हम क्या करें? ये सब बात सुन लेते हैं तब ये बताते हैं। कौन सी क्रिया बताते हैं? वह क्रिया बताते हैं इस क्रिया विशेष के द्वारा कि सफलता में विद्या माया भी छूटती है, अजी का परम कल्याण होता है। यही है नादानुसंधान, नाद की खोज। नाद की खोज बाहर में नहीं, अपने अंदर में होता है। अपने अंदर में अनहद नाद हो रहा है, नाद अनहद सब हो रहा है। कौन सुनते हैं, किस साथ में रहकर सुनते हैं? जो दृष्टि योग क्रिया में सफल हो जाती है वे अपने अंदर में चार इंद्रियों संग में रह करके अनंदाद को सुनते हैं। प्रणाम इसका क्या निकलता है? उस जीव की दृष्टि खुल जाती है, लेकिन जीव का परम कल्याण आवागमन से चक समाप्त नहीं होता है। दृष्टि खुलने पर भी नहीं होता है, विद्या माया समाप्त हो जाए, विद्या माया से आगे निकल जाए तब जीव का परम कल्याण। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा नाद संधान कीजिए, शब्द की खोज कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। कोई शब्दवाणी है कि शब्द की खोज कीजिए, यही शब्द से प्रकट भाई ये सब सही शब्द कह लीजिए, जिससे सारी सृष्टि बनी है उस शब्द की खोज कीजिए। कैसे खोज करेंगे? गुरु के पास जाना होगा। अखिल विश्व के जे अधिकारी व्यास वशिष्ठ महानाचारी गौतम कपिल कनाद पतंजलि जय मनिजल चरण बलि, ये सब गुरु के सरहने आए तात जब श्रेष्ठ कहा, सबको गुरु समझाना पड़ा है। गुरु महाराज जी दरियापंथी में थे, एक नाम का जप एक रूप का ध्यान सीखे थे। पीछे बाबा साहब के शिष्य राजेंद्र बाबू से दृष्टियों की दीक्षा लिए मायागंज में। इसके बाद बाबा साहब स्वयं उनको बोले आ तुम तैयार होकर आ, शब्द साधना बता देता हूँ, श्री का क्या ठिकाना।
तो बाबा साहब गुरुराज को सब साधना बताई थी, तो सब साधना करने से ही विद्या माया समाप्त, उसकी सब पूर्णता में, सब साधना पूर्णता में जीव की आत्मा खुलती है, विद्या में समाप्त होता है, जिनका परम कल्याण होता है, इसकी जानकारी सत्संग करते करते होता है, एक बात। दूसरी बात यह, अगर सत्संग उतना समय नहीं मिले, गुरुदेव का जो लिखा हुआ सत्संग योग है और उसमें चतुर्थ भाग जो है उसको पढ़ना चाहिए, उन्होंने तो कोई बात छिपा के नहीं रखी है, सारी बात उन्होंने लिख ली है। आप इसे मंत्रा से रखा, बोलिए प्रेम से।